हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगर आपको मिनट कैलकुलेट करना है, जैसे आप कहीं जॉब पे जाते हैं, कहीं इम्प्लॉई हैं और आपको मिनट कैलकुलेट करना है कि आपने कितने मिनट काम किया, तो इसके लिए एक्सेस में बहुत अच्छा आप एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसकी मदद से आप ये सारी चीजें कैलकुलेट कर पाओगे। तो चलिए आपको दिखाता हूं। यहां पर देख सकते हैं इस तरह से मैंने कुछ टेबल बनाया है, इसे आईडी बनाया है, ये प्राइमरी की है, फिर एम्प्लॉई आईडी, फिर टाइम इन टाइम आउट, और इन दोनों को रखा है डेट एंड टाइम डेटा टाइप, बाकी एम्प्लॉई आईडी नंबर डेटा टाइप है और आईडी ऑटो नंबर है। तो बस यहां से व्यू पे क्लिक कर दिया है और ये इस तरीके से आ गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, क्रिएट पे चलता हूँ, क्वेरी डिजाइन पे जाता हूँ और यहां से इसे ऐड कर लेता हूँ और इन सारी चीजों को लेके आ जाता हूँ यहां पर। ठीक है, यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल मिनट। क्या कैलकुलेट करेंगे? टोटल मिनट। ठीक है, टोटल मिनट कैलकुलेट करने से पहले आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि जो टोटल मिनट हम कैलकुलेट करने वाले हैं उसके लिए मिनट के लिए एक कीवर्ड है एन। ठीक है, मिनट के लिए हम एन यूज करेंगे कीवर्ड। ठीक है, नॉट एम। एम हम मंथ के लिए यूज करते हैं और मिनट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम एन ही यूज करने वाले हैं। और एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसके बारे में पहले भी बता चुका हूं, डेट डिप। ठीक है, और ये लगा करके हमें क्या करना है, यहां पर लिखना है डबल इंटेड कोर्स में एन। मैंने बताया था कि हमें मिनट कैलकुलेट करना है, दैट्स व्हाई यहां लिखना है एन, और फिर यहां पर टाइम इन। ठीक है, टाइम इन लिख दिया हमने और फिर कॉमा देना है, अब टाइम आउट देना है यहां पे, तो यहां पर दे देता हूं टाइम आउट। ठीक है, तो टाइम इन और टाइम आउट हमने दे दिया। अब ब्रैकेट को करना है क्लोज और यहां से ओके प्रेस करता हूं और यहां से करता हूं रन पे क्लिक। तो जैसे ही रन पे क्लिक करूंगा तो देखिए ना ये आ गया है और यहां पर देखिए ये इन हुआ था तीन बजे शाम को, ये इन हुए थे 5 बजे आ गए, तो कुल मिला के 3 से 5 के बीच में 2 घंटे हुए और 2 घंटे में कुल 120 मिनट।